हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम चीजों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए आसानी से ताकि हो जाएं ये चीजें, तो आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो कुछ स्क्वायर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों को स्क्वायर दिए जाते हैं तो आपको इस तरह के स्क्वायर मिल जाते हैं एग्जाम में, तो आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर जैसे हमारे पास 25 का स्क्वायर दे रखा है, तो 25 का स्क्वायर जानने के लिए हम सभी बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 25 होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये 25 आपका हो जाता है और यहां पर जो हमारी डिजिट 10th प्लेस पर होगी उस डिजिट का हम एक डिजिट आगे ले लेते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो इट मीन 625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 25 का स्क्वायर। अगर 25 के स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा आंसर हमारा, 625। इसी तरह मैं नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, अगर यहां पर 45 का स्क्वायर है हमारे पास, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 5 आपका 20 होता है। तो 2025 इज द स्क्वायर ऑफ द 45। आगे एक 3 डिजिट का नंबर देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा 105 की जगह अगर होगा तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और 10 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 110। ओके, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 11025, ये आपका स्क्वायर होगा 105 का। तो आप लोग हमें ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं, 65 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर देंगे। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।